क्यों सब कट गया वो? सही बात है। एतमादुद्दौला वाले में लिख दो एक जरा। हाँ हाँ मालूम है, एक लाइन लिख दो केवल। पच्ची कारी की एक नई शैली, पच्ची कारी यह पच्ची कारी की, पच्ची कारी की एक नई शैली। नई शैली पित्रा दुरा का प्रथम बार प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया। का प्रथम बार प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया। ओके, अब आप जाके देख लेना। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन देख लेना, चार भाग शैली और पित्रा दुरा, ये दोनों ही पटवारी में आ चुके हैं, ये दोनों ही आ चुके हैं। 15 तारीख के पहले पेपर में यही था, चार भाग वाला, चार भाग शैली, राइट। कि पहली बार किसके मकबरे में आया, तो हुमायूं के मकबरे। और पित्रा दुरा का ये आया था 18 मार्च के पेपर में, आप देख सकते हो। पित्रा दुरा शैली का प्रयोग सर्वप्रथम किसके मकबरे में किया गया, तो आज आपके यहाँ पास एतमादुद्दौला। लिखो, अब है शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल, तो खैर शाहजहां लिख गया ना, तो लिखो शाहजहां में पहला पॉइंट, शाहजहां का शासनकाल, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ये पेपर में आ चुका है। मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था। ओके, ये याद रखना, स्वर्ण युग किसको? शाहजहां। अब दूसरा आता है, एक आज भी चल रहा है उसका बनाया हुआ विभाग, ये दतिया की जेल के जस्ट सामने बिजली घर के रास्ते में, बिजली घर जाते हैं उसके रास्ते में बाहर ही पड़ता है पीडब्ल्यूडी विभाग, राइट। P4 पब्लिक, W4 वर्क और D4 डेवलपमेंट यानी विकास, ये वाला विभाग जो है शाहजहां ने बनाया था, और उसका बनाया हुआ विभाग आज 2023 तक भी चल रहा है। तो देखो शाहजहां के काल में तो पीडब्ल्यूडी विभाग यही करता है काम, पुरानी चीजें नई चीजें सबकी देख रेख जो जनता से जुड़ी है। तो शाहजहां के काल में स्थापत्य कार्यों के लिए एक अलग विभाग बनाया जिसका नाम सार्वजनिक, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना, सार्वजनिक निर्माण विभाग रखा गया। ओके, नेक्स्ट, इसी के काल में क्या और चला? तो देखो शाहजहां के काल में जहांगीर की बेगम नूरजहां ने लाहौर में सहदरा, बोर्ड पर लिखा है सहदरा नामक स्थान पर
शाहदरा नामक स्थान पर जहांगीर का मकबरा बनवाया था। लिखो, शाहजहां के काल में आगरा में डैश ला के लिखो, दीवाने आम दीवाने खास, रंग महल, शीस महल, दीवाने आम फिर कौमा दीवाने खास कौमा, ऐसे लिखते हैं भाई। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं दीवाने आम और दीवाने खास, और कुछ लोग कुछ क्या हिस्ट्री की बुक में ऐसे मिलेगा दीवान ए आम और दीवाने खास, रंग महल, शीस महल, मच्छी महल, मच्छी महल, नगीना महल, मच्छी, अरे ये ऐसे मच्छी महल, नगीना महल, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद प्रमुख है। अगली लाइन में देखो, दीवाने आम, दीवान ए आम, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखो, संगमरमर से बनाया गया प्रथम, संगमरमर से बनाया गया प्रथम भवन है, भवन है, मकबरा अलग है, भवन अलग है, चबूतरा अलग है। इन चीजों में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन ना करना। नेक्स्ट, यहीं से लूट ले गया था वो तख्ते ताउस, लुटा था मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन शाहजहां ने ही रखवाया था, बनवाया था, जबकि बाद में फिर उसे कहा लूट ले गए मयूर सिंहासन को, उसका नाम रखा गया तख्ते ताउस। खैर अभी इसका नाम तख्ते ताउस नहीं पड़ेगा। देखो दीवाने आम में यानी दीवाने आम जो महल था उसमें, दीवाने आम में शाहजहां द्वारा बनवाया गया, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखो मयूर सिंहासन रखा गया। इसका निर्माणकर्ता बादल खां था, नेक्स्ट लिखें, आगरा के किले का सबसे सुंदर निर्माण मोती मस्जिद है, जो मुमताज बेगम की याद में बनाई गई थी। मोती मस्जिद है जो मुमताज बेगम की याद में बनवाई गई थी। नेक्स्ट, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना या अंडरलाइन कर लेना, जहां आरा बेगम के द्वारा करवाया गया था।
नेक्स्ट ताजमहल, हेडिंग डाल दो ताजमहल। ताजमहल का भी निर्माण किसकी याद में करवाया गया? अर्जुमानो बेगम, मुमताज महल। तो लिखो ताजमहल शाहजहां के काल की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। शाहजहां के काल की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। यह आगरा में है, जो शाहजहां की बेगम अर्जुमन बानो बेगम, शाहजहां की बेगम अर्जुमंद बानो बेगम कोष्टक में मुमताज महल। क्या? अच्छा लिख दें अर्जुमन बानो बेगम, अर्जुमन बानो बेगम कोष्टक में मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। इसकी मृत्यु, इसकी माने अर्जुमन बानो बेगम, इसकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ? हाँ, ये बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, आप ध्यान रखना। लाल किले का निर्माण कितने वर्षों में हुआ, कुतुब मीनार का निर्माण कितने वर्षों में हुआ, ये याद रखना। खैर, इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1631 में, अभी लिखा रहे हैं 1600 के थे। अगला लिखो 1632 में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1632 में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ हुआ। लगभग 22 वर्षों के बाद, 22 वर्षों के बाद इसका निर्माण पूर्ण हुआ। ताजमहल का मुख्य डिजाइनर, आर्किटेक्ट, उस्ताद अहमद लाहौरी। जिसको शाहजहां ने नादिल उल अस्त्र, नादिल उल अस्त्र की उपाधि दी थी। दिल्ली, हेडिंग डालो दिल्ली। शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने तट पर, शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने तट पर 1639 में शाहजहांबाद नामक नगर बसाया। शाहजहांबाद नामक नगर बसाया। यहीं लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाई गई। यहीं पर लाल किला और जामा मस्जिद बनवाई गई। कल लिखेंगे इसके बारे में।